जानीस आदाब और आप सबको बेगम नवाज़िश अली का सलाम. जानीस आई नो दैट आई हैव गेन्ड वेट हाय स्वीटीज बट इस पे मेरा कोई कसूर नहीं. एक्चुअली आई हैड गॉन ऑन अ वेकेशन टू भूरबन. मैंने कहा जाकर तो देखूं कि भला भूरबन की हवाओं में वहाँ की फ़जाओं में ऐसी क्या बात है कि वहाँ बैठकर हर इकरार हो जाता है, हर वादा हो जाता है, बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं. लेकिन जब उस पहाड़ से नीचे आते हैं तो किसी वादे पर, किसी इकरार पर, किसी बात पर अमल दरामद नहीं होता. वेल जानीस, एट लीस्ट नाउ वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज ऑफ कोर्स टेबल्ड बाय आवर वेरी वेरी ओन आसिफ जरदारी. मैंने कहा जानीस, उस बेचारे ने तो सोचा भी नहीं होगा कि इतना बड़ा होकर इतनी सारी पढ़ाई, इतनी सारी मेहनत फिर से करनी पड़ेगी. हाय, वो काम जो वो बचपन में नहीं कर सका जानीस, पावर ने उससे अब करवाना शुरू कर दिया है. आफ्टर ऑल ही इज़ इन्वॉल्व्ड इन ड्राफ्टिंग एंड प्रेजेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म पैकेज. ही इज़ द वन बिहाइंड द बजट. ही इज़ द वन डिसाइडिंग पेट्रोल प्राइसेस. ही इज़ द वन डिसाइडिंग कोएलिशन का फ्यूचर. वेल, ही सीम्स टू बी स्वॉम्प्ड विद वर्क. पुअर एजी. आई डिडंट मीन माय एतजाज. Of course, now we have two AZs in the country. One being my old love, my old flame, Etezaz Ehsan. And the other, of course, being the new flame that seems to have engulfed us all, really, in a very good way. Well, I don't want to sound like you know what. Aur phir meri dost Sherry mujhse khafa ho jayegi. But kaha jata hai ki media ko ek baar phir bahut sari azadi mil gayi hai. Well, Janis, I have a reason to be very, very happy. Well, guess what? I won the Bolan Award. मैंने कहा बोलान जीत लिया है, कल को मेहरान भी जीत लूँगी, उसके बाद पंजाब की बारी होगी और आहिस्ता आहिस्ता पख्तूनख्वा में भी अपने परचम गाड़ दूँगी जानीस. और इस तरह मेरा वो ख्वाब, मेरा बचपन का ख्वाब, ऑफ कोर्स बींग दी ओनली सोल एम्प्रेस ऑफ पाकिस्तान, सच्चा हो जाएगा. फिर कमी रहेगी तो सिर्फ एक एम्परर की. But Janis, I tell you, I feel that emperors should be changed often, and of course, for the same reason, really, they're like diapers. But Janis, I won't go too much into explaining any of that. आप में से वो जो समझ रखते हैं समझ ही गए होंगे कि मेरी बात का मतलब क्या था. खैर, मैंने कहा जून का महीना है, गर्मी अपने उरूज पर है, लगता है जैसे आसमान से आग बरस रही हो. And of course, our caring government, our caring WAPTA and KESC खूब कोशिश कर रहे हैं कि हम गर्मी का भरपूर मज़ा ले सकें. जानीस, हाय, मुझे अपने सलमान तासीर की याद आ गई. पहले कभी कभी अपने दीदार देकर मेरी आंखों को ठंडक बख्श ही दिया करता था, लेकिन जब से गवर्नर पंजाब बना है, हाय जानीस, आई मीन ही सडनली इज नो वेयर टू बी फाउंड. वेल जानीस, पॉलिटिक्स इज़ अ बिजी गेम. And you know, I'm happy that at least Salman is on his toes right now. लेकिन मैंने कहा कि गवर्नर हो या ना हो, मैंने आज अपने यहाँ एक बहुत ही मज़े की शख्सियत को बुला रखा है. वेल, ही डेफिनेटली इज वन ऑफ द अनक्राउंड किंग्स ऑफ द फैशन इंडस्ट्री. वेल, नॉट दैट ही हैज़ मेनी किंग्स रियली, बट ही इज़ एन अनक्राउंड किंग. बट वॉट आई लाइक अबाउट हिम जानीस इज दैट विद ऑल हिज इन्फ्लुएंस, ऑल हिज स्ट्रेंथ, and of course him being the power center of the fashion industry, he's always kept such a modest, such a down to earth demeanor. You know, mujhe aise log acche lagte hain jo jhuke rahe, lekin main nahi chahti ki ye zyada jhuke. Intezar mein to isliye bulai deti hu. Aao aao, tashreef le aao, Shehzad Raza. यकीन जानो शहजाद, मुझे तुम्हें यहाँ देखकर इतनी खुशी हो रही है, यू नो, टू सी यू अलाइव किकिंग एंड ऑफ कोर्स स्माइलिंग रियली. वरना एक मैगजीन मैंने देखा था जिसके ऊपर तुम्हारे सर पे एक बंदूक तान रखी थी उन मैगजीन वालों ने, और धमकी ये दी थी कि अगर ये मैगजीन नहीं खरीदा तो हम शहजाद रजा को गोली मार देंगे. भाई, मैंने सुना था कि तुम फोटोग्राफर्स अपनी मॉडल्स को एक्सप्लॉयट करते हो, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि यहाँ पे फोटोग्राफर्स स्टाइलिस्ट जो हैं उनको भी इस तरह एक्सप्लॉयट किया जा सकता है.
बस देख लें, आपने खरीदा बेगम और मैगजीन के नहीं खरीदा? वेल जानी, ऑफ कोर्स आई लव यू टू मच, और मैं कभी, आई कुड नेवर रिस्क इट रियली. वो तो मुझे बाद में समझ में आया कि इट वाज ऑल अ मार्केटिंग प्लॉट रियली. तो इसलिए मैंने तो जैसे ही मैगजीन देखा मैंने फौरन शेल्फ से उठा लिया. मैंने कहा इससे पहले कि मेरे शहजाद पर कोई आंच आए मैं सीसा पलाई बनकर बीच में खड़ी हो जाऊंगी. रियली बट इट मस्ट फील सो गुड रियली शहजाद ऑल्सो टू हैव रीच्ड दैट मार्क, दैट्स दैट एक जो एक जगह होती है जहाँ पे सब पूरी फैशन इंडस्ट्री आज यू नो इज यूनानिमस इन सेइंग दैट माशाल्लाह यू एंड ऑफ कोर्स योर ब्रांड अथर शहजाद, बोथ ऑफ यू हैव आउटशोन, हैव यू नो रियली मेड अ मार्क फॉर योरसेल्फ्स. कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा. लेकिन इसके पीछे एक बहुत लंबा सफ़र है. वी वर्कड वेरी वेरी हार्ड फॉर इट एंड वी आर स्टिल वर्किंग वेरी हार्ड. एंड बट यू फील सो गुड आफ्टर. बहुत लोग मेहनत करते हैं बट उनको नहीं ये सब कुछ मिल पाता, बट अल्लाह का बहुत शुक्र है वी वर्क हार्ड एंड वी गॉट व्हेयरएवर वी वांटेड टू गेट. माशाल्लाह, मेरी रातों की नींद उड़ी रहती है सोच सोच के अपनी विनी का जो आज भी विनी है, अपनी ZQ का जो आज भी ZQ है, अपनी आमना हक का. वेल अभी आमना हक है, बट यू नो देन आई हैव हर्ड, इन फैक्ट ऑफ कोर्स आई मेंशनड पर्सनली कंग्रेचुलेटेड देम. लेकिन लगता है कि उसकी उसका नाम भी जल्द तब्दील हो जाएगा. बिल्कुल, कम से कम एक नाम साथ ज़रूर जुड़ जाएगा. मैंने कहा इतना साथ है, इतना इतनी कुर्बत है, तो क्यों नहीं सोचते इनके बारे में कि इनके सबके, तुमने तो अपना घर बसा लिया हुआ है ना? मैं क्या? नहीं अभी नहीं बसाया. अभी नहीं बसाया? हाय मेरी जान, यू आर सेइंग दैट मेक्स यू सो मच मोर डिजायरेबल रियली, है ना? हाँ, आई एम ऑल फॉर सिंगल मैन रियली, है ना? हाँ, तो कब घर बसाने का इरादा है? देखें, इन सबको मैं कहता हूँ, विनी को हर वक्त कहता हूँ शादी कर लो, आमना को भी कहते रहे आमना तो करी, ZQ को कहता हूँ व्हेनेवर आई मीट देम. अब इन लोगों के जब मतलब का कोई यू नो कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, और फिर उस हिसाब से जब उनको इफ़ दे फाइंड समवन दे विल गेट मैरिड. दे आर यू नो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन. वेल जानी, आई एम श्योर दे विल, बट नाउ मोर कंसर्न अबाउट यू. हाँ, व्हेन विल यू फाइंड समबडी? ओह, मेरी बात कर रही है. हैव यू फाउंड समबडी ऑलरेडी? नॉट रियली एक्चुअली, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ वुमन to live with a man like me who works all the time and it's very difficult jo ghar pe baithi wait kar rahi ho whatever even if she is working it's very difficult but inshallah it's not very far, very soon you will but jani I tell you kabhi kabhar main sochti hu with all these divorces that I see happening around me hai mera to dil bahut kurta hai ye dekh dekh kar ke log milte hain aur phir bichhad jate hain. I think aajkal logon ki tolerance levels have really gone down aur phir main sochti hu ke kya rakha hai in shaadi shudiyon mein, hai na? I mean, what's the point, really? Why can't we just live together and be happy and you know and still be friends? लेकिन हमारा ये है ना कल्चर ऐसा है कि करना पड़ता है, चाहे डिवोर्स हो जाए लेकिन शादी करनी पड़ती है एंड ऑफ द डे, अदरवाइज लोग ना छोड़ते हैं आपको ना आपकी फैमिली छोड़ती है. ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तो ये चलता ही है. और क्या क्या करना पड़ता है शहजाद? आपसे बेहतर कौन जानता है? लेकिन बताइए ना, मुझे क्या पता इन चीजों का? आप ही को तो पता है असल में. वेल, आई एम वेरी ओल्ड फैशन दीस डेज. और हमारे वक्तों में चीजें बहुत मुख्तलिफ हुआ करती थी, थोड़े से लोग थे, सब एक दूसरे को जानते थे, एंड देन ऑफ कोर्स इट वाज काइंड ऑफ एक हमारा वाव ऑफ सीक्रेसी था एक दूसरे के साथ. तो चीज़ें हम सबके बीच में ही रहा करती थी, लेकिन अब तो इतने सारे लोग आ गए हैं, यू नो, एंड देयर इज नो रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी, यू नो, विद ऑल दीज चैनल्स, विद ऑल दीज मैगजीन्स दैट नीड कांस्टेंट गॉसिप एंड ऑल. पापराज़ीज इज वेल ना टेकिंग पिक्चर्स ऑल द टाइम, है ना जानी? एंड दे कैन यूज इट एनीवेयर. या इट इज. लेकिन तुम्हारे साथ व्हाट्स द वर्स्ट स्कैंडल यू एवर हर्ड अबाउट योरसेल्फ? जबकि सच ये है शहजाद कि तुम्हारे बारे में मैंने कभी कोई ऐसी बात नहीं सुनी. वही कहने वाला था, फिर मुझे कहेंगे इतना अच्छा कैसे हो सकता है ना? बट नहीं, कभी कोई नहीं निकला, नेवर एवर, और इंशाल्लाह नहीं निकलेगा कोई. देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम बिकॉज आई डोंट डू एनीथिंग लाइक दैट, और अगर कुछ होगा तो दुनिया को पता चलेगा. बट अभी तक यू जस्ट वर्क, यू नो व्हाट, आई थिंक देयर इज सो मच वी कैन टीच. हम दोनों दूसरे के इतने काम आ सकते हैं. तुम मुझे कुछ दे सकते हो, मैं भी तुम्हें बहुत कुछ दे सकती हूँ. लेकिन टू स्टार्ट विद आई विल गिव यू अ टिप रियली. दीस डेज यू नो क्या कहना चाहिए, कॉन्ट्रोवर्सी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शहजाद. इट्स ऑलवेज गुड टू बी इन यू नो इन द न्यूज़, इन द गॉसिप रियली. तो क्यों ना आज और तुम, मैं, हम दोनों यहाँ बैठ कर तुम्हारे बारे में एक अच्छा सा स्कैंडल इन्वेंट करें, और बात यहाँ से शुरू हो तो पूरे पाकिस्तान में फैल जाए. हाँ शहजाद, आप बताओ क्या कहना चाह रहे हैं, आपको इनकार कैसे कर सकता हूँ, है ना? व्हाट्स द
तुम्हारी इमेजिनेशन कितनी वाइल्ड है शिजा। उसका तो कोई कम ऑन जानी, उसका तो कोई अंदाजा लगाना इज वेरी डिफिकल्ट। कुछ मैडोना के बारे में अगर आप कहें तो मेरा ख्याल दैट बी वंडरफुल। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट मैडोना, हर न्यू एल्बम, वीडियो। हाय मेरी जान, से समथिंग। हाय मेरी जान, हु केयर्स अबाउट मैडोना। आई हैव यू हियर एंड मैं चाहती हूँ कि आज मैं तुम्हारे बारे में कोई स्कैंडल बनाऊँ। तो बनाओ ना, तुम कुछ मेरी मदद करोगे तो बनाऊंगी ना। ओके, अब मुझे तो समझ नहीं। अच्छा खैर, मैंने कहा इस बात पर बाद में आएंगे शहजाद, लेकिन अभी तुमने एक और मेरे सवाल का जवाब ठीक से नहीं दिया। पूछो। Tell me now, how wild is your imagination? Very wild. तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस सारी वाइल्ड इमेजिनेशन को इस इतने सोबर से, इतने एक मदहम से, इतने एक मासूम से चेहरे के सामने भला कैसे कंटेन कर लेते हो? ये टैलेंट मुझे भी सिखाओ शहजाद। आपको बाद में मिलना पड़ेगा, वो मैं सिखाऊंगा। आप आ रही हैं ना स्टूडियो? हाँ, I'll teach you. Don't you worry. But you have to tell me from now कि मुझसे किस किस्म के poses expect करते हो तुम? आपकी favorite model बता दो कौन है? That's a very difficult one, जाने। है ना? है ना, मुझे तो सारी एक जैसी लगती हैं। खास तौर पे मेकअप के बाद सारी एक जैसी ही लगती है मुझे। अब भला मुझ जैसी इंडिविजुअलिटी किसी और में कहाँ? तो बस ठीक है ना, है ना? तो फिर क्या, मैं आपको क्या बताऊँ? आप आओ, कैमरा ऑन होगा, यू विल बी वंडरफुल देयर, आई नो फॉर श्योर। है ना जान? यस। हाय जानी, आई एम जस्ट वेटिंग टू बी क्लिक्ड 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 द राइट वे। परफेक्ट। यहाँ पे हम दोनों की ये डील तो तय पाई कि हम बहुत जल्दी साथ एक जबरदस्ती शूट करने वाले हैं। मैं बैठी हूँ आज अपने शहजाद के साथ उसकी रजा जानने कि बता तेरी रजा क्या है मेरी जान, क्या चाहते हो तुम? आपको बताया है ना मैंने अभी। क्या मेरी जान? अब आप लोगों के सामने तो मत पूछे ना। हाय डार्लिंग, इट्स अ सीक्रेट, बट यू अचीव्ड इट ऑल रियली, यू नो, सब कुछ ही हासिल कर लिया, यू नो, एंड यू आर डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन द फैशन इंडस्ट्री, अनडिस्प्यूटेड। और मैं समझती हूँ कि कोई इंसान नहीं है जो इस बात को झुठलाएगा। तो मुझे बताओ कि वो कौन सी ख्वाहिशें हैं, वो कौन सी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं शहजाद, जो कभी कभार सताती हूँ कि काश ये भी मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाए। यू टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनली, राइट? नो जानी, वेल आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफ रियली। व्हाई सेपरेट? आई नेवर सेपरेट प्रोफेशनल फ्रॉम पर्सनल। चलो दोनों बता देता हूँ, दोनों बता देता हूँ, सब बता। आपके साथ बहुत शौक था काम करने का, आपने आज तक कभी मौका ही नहीं दिया। देखिए ये एक बहुत बड़ी ज्यादती, आपने कहा वी हैव डन एवरीथिंग, आपकी तस्वीरें तो नहीं बनाई हैं। हाँ बिल्कुल। वन थिंग देन व्हाट, अब जो हम लोग चाहते हैं, नाउ वी वांट टू टीच पीपल दिस कि ये इंडस्ट्री और बढ़े, फोटोग्राफी और मेकअप, लाइक मे बी इन अ स्कूल और मे बी इन अ कॉलेज। हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। आपके पास तो आते रहते हैं सारे पॉलिटिशियंस, और आज मैंने यहाँ पर किसी ऐसी को बुला रखा है जो यकीनन तुम्हारी साइड पर है। अच्छा। Just to show you जानी कि मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। चलें ठीक है। और मुझे यकीन है कि उसका नाम सुनकर तुम्हें तो खुशी होगी ही होगी, मेरे देखने वालों को बहुत ही ज्यादा होगी। आओ आओ मेरी जान, मेरी जान, ZQ, Zenith पे यू। मेरी जान, इट इज सो वंडरफुल टू सी यू रियली। सेम हियर। तुम्हें देखकर लगता है कि आजकल बहुत मेहनत कर रही हो। हाँ कर रही हूँ। है ना, तुम्हें देखकर ही अंदाजा होता है कितने कितनी 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 देर काम करना पड़ता है। बहुत ज्यादा, और माशाल्लाह मैं जेलस हो रही हूँ आपको देखकर, क्योंकि लग रहा है कि आप बहुत आराम कर रही हैं। प्लीज जानी, यकीन मुझे जान लो, भी आराम चाहिए। यकीन जान लो मेरी जान, यकीन जान लो कि मैं आराम कर रही हूँ, इतना आराम कर रही हूँ तभी तो ऐसी हो गई हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम्हें देखकर मुझे जेलसी होनी चाहिए कि तुम इतना काम कर रही हो, इतनी मेहनत कर रही हो और इसीलिए इतनी हसीन लग रही हो। आई विश आई कुड आल्सो वर्क दिस हार्ड ऑन माय सेल्फ एंड लुक एज स्लिम एंड ब्यूटीफुल एज यू डू रियली। लिसन, बट आई विश आई कुड बी एज ग्रेसफुल इन अ साड़ी एज यू आर। Jani, I'm sure you look even more graceful in a sari. But I wish I could fit in a tight jeans and a, you know, and a lovely fitted shirt the way you are. गर्मी बहुत है ना, क्या करें? Jani, but मेरी मजबूरी है कि इसके अलावा
कोई और चीज़ मेरे यू नो जिस्म को छुपाता है? यू लुक फैंटास्टिक सीरियसली. और मज़े की बात है, मुझे एकदम से ना वो HSY के शोज़ याद आ गए शहजाद, कि ये जो स्टेप्स है ना, वी वर जस्ट लाइक ओ माय गॉड प्लीज, हील्स पहनी हुई है, इज इट ये हैवी हैवी लहंगास एंड ब्राइडल जोड़ा, इट्स वेरी हार्ड, इट्स मजदूरी. आई नो जानी, बट देन यू हैव बीन वर्किंग क्वाइट हार्ड रियली. वी हैव अ सीक्रेट, आपने बताना नहीं है क्या? दैट यू आर रिलेटेड टू मी. हाय, I didn't know that I was related to you. Of course. We discussed this in the car. Well, I thought you were joking. No. You said to me that is my mamu. Yes. And I did not take you seriously at all. No, of course. That's why I've come here. Ki jo bhi ladaiyan hui, matlab jo bhi hua. Tumhari maa ka naam kya hai? Aap pehle bataye phir main check kar leti hu. Tumhari maa ka naam kya hai? Meri ammi ka naam Zora hai. तुम सोरा बाजी की बेटी हो? बिल्कुल. I don't believe this, शहजाद. देख लो. All these years, you know, how she kept ZQ away from me. Hi. But I've come. Hi, but why was she so insecure of me, Jani? Not my mom. मुझ पे ये इल्जाम लगाया कि मैंने उसके भाई को खा लिया. नहीं नहीं नहीं. मैंने उसको नहीं खाया. उसकी स्मोकिंग ने उसे खाया. उसके कैंसर ने उसे खाया. उसकी ओल्ड एज ने उसे खाया. उसकी अपनी एरोगेंस ने, उसके गरूर ने उसे खाया. मगर अब तो वो मर गए, तो अब तो थोड़ी सी इज्जत हो जाए ना. वेल जानी, सबके सामने बहुत इज्जत है. मैं तेरी तो जबान नहीं थकती उनको याद करते दुनिया के सामने. लेकिन तुम्हारे सामने अगर अपनों के सामने नहीं बात करूंगी तो किसके सामने बात करूंगी? और शहजाद भी अपना है तो इसलिए. To see you. It's so great to see you. After all these years. I know. Hi, but how are you going to face your mother? वैसे क्या-क्या बोल रखा था उसने मेरे बारे में? कि by the way, my mother really, really tried to get you to become friends with your sasuma. मगर और पता है इत्तेफाक की बात कि कल ही रात को मुझे मामूजान का ख्वाब आया और एक वो सिर्फ आपको ये कहना चाहते थे कि बहुत खूबसूरत लगती हो, जो कर रही हो काश तुमने जब मैं जिंदा था तब भी करती. लेकिन वो एक चीज़ पे थोड़े से वो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप इतना ब्लेटेंटली फ्लर्ट ना किया करें दूसरे मर्दों से, उनको बहुत बुरा लगता है. कब्र में थोड़ा सा कुल बुलाते हैं. हाय जानी, हाँ. तो उनको कहना था अपने ख्वाब में कि कब्र में जाने से पहले कम से कम सोच तो लिया होता कि मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो, किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो, कोई इंतजाम करके जाते पहले. सहारा औरत का तो आज के पाकिस्तान में. What kind of a husband were you? What kind of a man? और फिर लोग कहते हैं, अभी लोग बातें बनाते हैं कि बेसहारा औरतें जो हैं उनका ना, उनके पे बुरी बुरी बातें बनाते हैं. बहुत बुरा है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था उनको. कुछ तो सहारा छोड़ना चाहिए था ना मेरी जान. बट डजंट मैटर, बट नाउ तुम्हारे रूप में मुझे लगता है मुझे अपनी बेटी मिल गई है जैसे. नहीं, मेरी आपकी और मेरी उम्र में इतना फर्क नहीं है. इतने सालों का जितना ये गैप है, जितना ये वैक्यूम है जी, क्यों मैं सबको भर दूंगी. मैं भी मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी, इतनी ममता निछावर करूंगी. नहीं नहीं, मेरी अम्मी जिंदा है माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. आई लव यू. तो वो सिर्फ ये है कि मेरा तो काम ही ये है ना कि मैं अगर औरों का कर सकती हूँ तो मैं आपका सब पूरे रिश्तेदारों के साथ सही कर दूंगी. टेल मी जान, बट व्हाई ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों होते हैं हमारे इस माशरे में? व्हाई इज इट दैट इट्स ऑलराइट फॉर अ मैन टू सिट एंड शेमलेसली फ्लर्ट विद एनी वुमन पॉसिबल, एंड व्हाई इज इट कि जब मैं एक औरत होते हुए अगर कभी-कभार एक इनोसेंट सी फ्लर्टेशन में इंडल्ज कर भी लेती हूं. आपने भी कहा था कि रुसाना करती हैं आप. हां, बट जानी फ्लर्टेशन इज गुड फॉर यू इजंट इट रियली? नो, आपका रिश्ता नहीं आएगा. मैं तो सोची थी मैं आपको कहीं और किसी और के साथ आपका यू नो आपका एक घर आबाद हो और आपके जो तीन बच्चे हैं वो भी फिर आपके साथ रहें. इट वुड बी सो नाइस. वेल जानी, बट मैंने कहा मेरी तो अब वो मेरी उम्र का वो हिस्सा गुजर चुका. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. लेकिन अब तुम्हारे दिन है, तुम्हारी शादी. मेरे भी चले गए, मेरी भी बस, ट्रक, लॉरी, प्लेन, शिप, सब कुछ चला गया. वेल नो जानी, इफ यू कीप, बट किस्मत, इट्स ऑल. नो नो, आई एम नॉट लुकिंग. किस्मत, यू आई सेड द वे यू लुक एब्सोल्युटली अमेजिंग. एंड कैन यू इमेजिन देयर स्टिल नो वन? Well, I should be promiscuous. How do you act promiscuous? क्या करना पड़ता है? ये मुझसे नहीं होती अदाएं ना, ये और वो सारी चीजें. मैंने कहा क्या मतलब है ये बात कहने का? मतलब बताओ तुम कौन सी साइड पे हो? मैंने कहा ज़ोहरा की बेटी. मैंने कहा क्योंकि अब तुम साबित सबूत दे रही हो कि तुम उसी की बेटी हो. बिल्कुल. हाँ, तो मैंने कहा बात ये है कि ये जो अदाएं यू और यू जो होती है ना, ये यू यू नहीं होती. फिर देखा, अदा तो या होती है
या नहीं होती, नहीं होती। मैं और खुदा हर किसी पे मेहरबान भी नहीं होता। मैं लाजवाब हूं, बिल्कुल लाजवाब हूं मैं, हां लेकिन आपको सुनकर। हां लेकिन मैंने कहा कि प्रमिस्कुअस होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। आई डोंट थिंक आई वुड सपोर्ट इन दैट वे, एंड आई डोंट से दैट वन शुड बी प्रमिस्कुअस इन एनी वे, बट आई डू रियली फील दैट वन शुड लिव अ कंप्लीट एंड फुल लाइफ वेयर वन इज कंप्लीट, यू नो, वन इज गिविंग वन सेल्फ अ चांस रियली, a breather really, that little happiness in kuch kuch hota hai, and true love ki wo jab hona hoga, jab Allah Mian ne, you know, when it's meant to be it'll happen, and I know aapki shakal se lag raha hai ki oh ye kitni stupid hai, lekin agar nahi hona to theek hai, you know, sach hai वैसे, हाँ सच है वो, हाँ देखे ना ये वाली छोटी छोटी ये नहीं होते थे, आज तो तुम्हारे पंजे बहुत तेज हैं। नहीं देखो नाखून ही नहीं है, काट कर आई थी जो डायरेक्टर ने कहा था। माचिस कहाँ रख कर आई हो? माचिस जानी वो अभी तो डीजल आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है, छोड़ दो मेरी जान। वैसे हमारे यहाँ उसके लिए आपको थोड़ा सा रिमोट कंट्रोल यूज करना पड़ेगा अलबत्ता। हाँ मैंने कहा वैसे हमारे यहाँ मिट्टी के तेल के चूल्हे भी फट जाने की ट्रेडिशन रही है। हाँ और शहजाद को साथ मिलाना तो कोई मसला नहीं होगा, है ना शहजाद? ये तो बच्चा है ना, हम इट्स लाइक अमेजिंग, यू नो, मैं शहजाद को ever since I've kind of like tapered off my modeling, 3 महीने हो जाएंगे, project करूँगी जो भी, उसके बाद suddenly एकदम पता नहीं क्या होगा, and I'll call him up and he'll be like, oh my god, I was just thinking about you, and it's a really really, वो नहीं है कि वो रोज़ाना वाली वो जो नहीं होती कभी कभी बहुत चिपकू टाइप के, अच्छा क्यों नहीं फ़ोन किया ये वो, नहीं, it's so nice, and every like बोलने, talk is cheap ना, कुछ भी कह सकते हैं, they've shown me over and over again, they're more close to me than family. Well, Jani, I am going to show you over and over again everything that you want to see, really. Huh. I'll be with you, okay? Theek hai. Well, Jani, sweet, of course. Sweet, one big family. One big happy family, hai na? मैं तो ख्वाब से जा रही हूँ. You know, I'd gone to Bhurban for a vacation. Really. मैंने कहा जाकर देखूँ. अकेली? Well, somebody did come to visit. हाँ. मामू जान? मैं अब technically वो तुम्हारे मामू नहीं होंगे. क्या रिश्ता जोड़ूं तुम्हारा मैं उनके साथ? कोई बात नहीं, मैं कबूल कर लूंगी मामू, आप खुश रहें और एक के साथ रहें। हाँ बस जानी, मैंने कहा आज, कहते हैं कि कभी कभार छोटे बड़ों को भी मशवरा दिया करते हैं, तो चलो मैं इसकी बात को गुस्ताखी बिल्कुल नहीं मानूंगी, और ये जान लूंगी कि वाकई she truly is concerned about my well-being. I want you to be shiny, but happy. I want you to understand, darling, the times have changed. गए दिन, वो conventional relationship की जो definition थी, वो गए दिन जानी, one is never enough, really. Come on. I think Shahzad and I disagree on that, है ना? Shahzad, I think Shahzad also is waiting for the one, and I'm waiting for the one as well. My darling, my ZQ, तो मेरे पास हो, और मुझे आज लगा कि जिस तरह मेरी ज़िंदगी को एक नया मकसद मिल गया है, you know, I used to keep, and you know, quite honestly, तुमने जो मुझ पर आरोप लगाए, जो इल्ज़ाम लगाए, मुझ पर तुमने उंगली उठाई, मामू ख्वाब में आए थे, मामू बेचारे, अब आपने खुद बताया ना, मैं तो इतना काम करती हूँ, मुझे कुछ नहीं है, बट जानी, यू नो, आई एम वेरी कंसर्न अबाउट यू नाउ, है ना? इस उम्र में तुम्हारे ख्वाबों में अगर मामू आ रहे हैं जान, तो मेरी जान, यू नीड टू स्पाइस इट अप माय डार्लिंग, यू नीड टू ऐड समथिंग, यू नीड सम एक्साइटमेंट इन योर लाइफ, एंड आई एम गोइंग टू फाइंड यू जस्ट दैट, really, है ना? देन ऑफ कोर्स बोथ ऑफ अस कैन हेल्प शहजाद आल्सो, इजंट इट लाइक दैट, यू स्क्रैच माय बैक एंड आई स्क्रैच योर्स? No, use prickly heat powder. है ना? हाँ, scratching है, but very. But you have had great friends in the industry. लोग कहते हैं support system. लोग कहते हैं कि fashion industry के अंदर, and this is a general misconception that people have about the industry. कि यहाँ पर you know, girls don't get along with each other. There are cat fights. There are jealousies. There, you know, constant backbiting and all of that. But मैंने देखा है कि तुम हुई, Vinny हुई. Iman hui, Sunita hui, Tania Shafi, of course. How's she been? She is so happy. I think she's in Singapore right now, vacationing. She's having a blast. I know. I haven't seen her for a while. Is she still here? Uski zindagi mein kya naya hua? She's I think zenning out, peacing out, and she's just having fun. But I'm so glad, really, for her. Yeah. You know, sometimes I'm just amazed at the hypocrisy of our society, ZQ. और मैं समझती हूँ कि हम
हम कितनी कोशिश करती हैं, यू नो, एक खुद एतमादी भी होती है, एक सब कुछ होने के बावजूद, बट यू नो इज इन लाइफ अ कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट स्ट्रगल, एंड डोंट यू फील समटाइम्स दैट यू नो द वे पीपल लुक एट यू, द वे पीपल आर विद यू, एंड देन वट दे आर बिहाइंड योर बैक एंड वट दे हैव इन देयर माइंड्स गोइंग ऑन. Doesn't it sometimes feel like a constant? No, and it's because that's where my family, my mother, my close friends, people like Shahzad who are family, they come in. Because to me, it doesn't matter ke log baki kya soch rahe hain. As long as my inner circle, and I know that they have faith in me and belief in me, it doesn't matter what the world is saying, really. And you know that's the only way to survive, because otherwise तो वो क्या कह रहा है इस तरह से नहीं, ये ज़िंदगी नहीं, हमने हम ना डर हैं. और हम जिस दिन मैंने डिसाइड किया था कि ओके यू नो मामा आई वॉन्ट टू मॉडल, शी सेड यू नो पढ़ाई नहीं छूटेगी, और दूसरी बात ये कि तुम्हें पता है ना स्टेरियोटिपिकल क्या तुम्हारा होगा, यू रेडी फॉर दैट, आई बैक यू, एंड दैट वाज इट. सो आई न्यू व्हेन आई वाज बिकमिंग अ मॉडल दैट ओके फाइन, रेप्यूटेशन वो तो एकदम है ना फास्ट एंड लूज, इतनी फास्ट एंड लूज हूँ कि मैं, आप देखें माशाल्लाह यहाँ बैठी हुई हूँ और वो मेरी धज्जियाँ उड़ा रही है कि तुम्हारा तो कोई बंदा ही नहीं है, कोई लाइफ में इंजॉयमेंट नहीं है, विच इज़ ट्रू, विच आई लव टू लाइक बी हैविंग अ ब्लास्ट, बट यू कैन ईदर वर्क. I think that's how this thing goes. But you know, I mean, I still hold to my initial thought, really. If you keep sacrificing your personal pleasure, your personal, you know, if you keep sacrificing yourself and your sacrifice. Own needs, really, in your own needs, so I feel, ki, you know, down the road somewhere, you become very bitter. Or phir regrets reh jate hain. Nahin, you know, no regrets, no bitterness, because something that's not in your control. We believe in our destiny and whatever is going to happen will happen, right? So agar hum baithe mein aur acha theek hai kuch ho jayega, nahi. So there are no regrets, because priority jo hamare control mein hai hamara kaam, kaam rishte aur ye jo cheeze hain wo hamare control mein nahi hai. So then why bother, aur kyun buddhi ho jao agar meri kismat mein koi banda nahi hai, to main ab sari zindagi buddhi ho jaun sochte ki hai kab aayega. Isse behtar nahi ki main kuch constructive karu apni zindagi ke sath. At least we are working, yes. We are traveling, and you know these things are very important, you know. I mean the yeah, jab hum log shoot karte the, aur ye hum us zamane ki baat kar rahe jab digital nahi hota tha ki yun karke acha delete ke kahin outdoor, aap June ki garmi mein Lahore fort mein aap फुल भारी ब्राइडल्स पहन कर, और उसके बाद के अल्लाह में प्लीज सही हो जाए क्योंकि वो प्रिंट्स करवाने हैं, प्रिंट्स कराने हैं, यू नो, एंड द मैंगो मिल्क शेक, ऑफ कोर्स, अनफॉरगेटेबल. जानी फिर तुम्हें फिल्म कर लेनी चाहिए थी, बल्कि अब मैं तुमसे फिल्म करवाऊंगी और उसके अंदर मैं 5 गाने रखवाऊंगी जो सब के सब बारिश में शूट होंगे. बस मैंने कहा बादल हूँ बरसने वाले तो हर जगह अच्छी लगती है. पर खैर, लेट्स चेंज द टॉपिक रियली डार्लिंग, फिर तुम भी कहोगी, बिकॉज आपको डांस अच्छा आता है, आई बिलीव. आपको लगता नहीं है जी, तो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ये देखा ना हां, वो ये वाला मुझे, हां जी यही तो अदाएं हैं, दैट्स व्हाट आई एम नोटिसिंग. लेकिन शहजाद तुम ये देखो, एंगल एंगल, लेकिन मैंने कहा शहजाद कि तुम ये देखो कि मेम साहब कैसी बैठकर मेरे सामने मुझे एक मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देख रही हैं और मेरी एक एक अदा को खूब रजिस्टर कर रही हैं. मैं कोशिश करना चाहती हूं क्योंकि मुझे ये भी कहता है कि क्या सर, मतलब कि वो इवन इन द शूट अब थोड़ा सा कॉपी हो ना नेक्स्ट शूट. हां मैं ट्राई करूंगी, देखो ना जरा. हां बिल्कुल, इंस्पिरेशन होगा. Well, I can inspire you even more. Of course, I feel so much more restricted here in my drawing room. Maybe we should take a trip together somewhere. But you know, they say that in the fashion industry or in show business, jo ladkiyan hain wo sab bimbets hain. Lekin main janti hu ki tum aisi bilkul bhi nahi ho. I know that you have an opinion on everything. I know that you're extremely intelligent and very aware of your surroundings. So what do you think, darling, about Mr. Asif Zardari's proposed constitutional package? No, they're totally right. I'm such a big bimbo. It's best to be a bimbo. Seriously. Hi, who's Mr. Asif Zardari? Hi, aise na bolo. Who is aise bimbo, na bolo? Bimbe. He is the merry widower, Jani, who's inherited it all. ये सारे पिक्चर्स ये किन की है, आपकी फैमिली मेंबर्स हैं? हाँ मेरी जान, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ कोर्स. नाइस. Phenomenal pictures. My very, very close and dear friends. तुम्हें भी मैं यहीं लटकाऊंगी अपनी दीवार पर. मगर आपकी जो सबसे बड़ी ना लटकी हुई बहुत अच्छी लगती है. हाय मेरी जान, मेरी तो तस्वीर लटकी है ना. हाँ. क्या मतलब? क्या मतलब है इस बात का? कुछ नहीं, मैंने कहा टिश्यू आंसू आ गए ये मुमानी जान तो यहाँ लटकी. अच्छा मैंने कहा मैं लटकूंगी. मैं जरा अनोखी किस्म की औरत हूँ. वो इस तरह के लोग, आम औरतें एक इंसान को उसके वसाइल से पहचानती हैं
मैं लोगों को जानने के लिए उनके मसाइल सुनती हूँ. सो टेल मी डार्लिंग, तुम्हारे मसाइल क्या है? मेरे मसाइल तो कुछ नहीं है. कुछ तो मसाइल होंगे. नहीं, वो तो आपने पहले ही एनालाइज कर लिया था कि यू नो आई एम नॉट प्रोमिस्कुअस, आई नीड टू हैव फन, एंड वो आपने कहा है कि आप प्रोवाइड करेंगी. आई जस्ट फील कि अगर सब लोग के ऐसी ये कर रहे हैं, पॉलिटिक्स ये हो रही है, एंड आई थिंक everyone should stick to their own field. Makeup stylist, hair stylist, photographer, leading of Pakistan. If I'm a model, if I'm an actress, हर एक अगर अपने ही काम शोबे में करे और दूसरों के टांग ना अड़ाए. और अगर वापटा और के ई एस सी में जो बिल पे करने हैं, जो पैसे देने हैं, वो हो जाए, सब कुछ हो जाए ना, और ब्लेम गेम ख़त्म हो जाए. एंड वैसे फैशन इंडस्ट्री आई थिंक इज़ वेरी ए पोलिटिकल, बिकॉज एज लॉन्ग एज पाकिस्तान इज सेफ, that's all that matters. आखिर इसने तो तुम्हें अपना भाई कहा, और कैसी बहन है जिसने कभी कोशिश नहीं की तुम्हारा घर बसाने की. लेकिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी कोई अगर कमी है उसको पूरा करना चाहती हूँ. आप लड़कियाँ दिखाएंगी? नहीं, मैं जाना चाहती हूँ शहजाद, हाउ वुड यू टर्न अ वुमन ऑन? हाउ वुड यू? ZQ आपकी मुमानी जान, ये टेलीविजन पे बैठकर ये बातें कर रही हैं. मेरी जान, मैं तो इम्तिहान ले रही हूँ. नहीं नहीं, आप ना ये इम्तिहान ले बहुत से. गलत मेरे हाथ से जो मेरे हाथ से सर्टिफिकेट मिलता है मेरे रिश्ते नहीं आएंगे. एक्सेप्ट होता है मुमानी जान, बाद में बात करेंगे. मेरे रिश्ता नहीं आएगा ना, वो कहेंगे जैसी मुमानी वैसी भांजी. हाँ देखिए, ऊपर से ठप्पा मॉडल का और एक्ट्रेस का, वो तो फिर कहेंगे चलो जी माशाल्लाह. बच्चनो, अभी तुमने अच्छा जिक्र किया कि तुम्हारे ठप्पा एक्ट्रेस का है, माशाल्लाह. आई हैव सीन सो मेनी ऑफ योर brilliant brilliant. Do you think I'm improving? You are, definitely. Honestly, अच्छा, acting ना करना ना. No, Jani, I think you are really. But you know, मेरा मुझे समझ नहीं आता. You know, this Fahim Barni style of soap, really. You know, it almost looks as if, you know, he's or these people are catering to a certain class only. ये जो बेगम नवाजिश जो डायरेक्ट करे, नदीम उनका बेस्ट फ्रेंड है, तो आप पहले उनसे पूछे क्या पता आपको. I don't want you jobless also. पता चले बेगम नवाजिश की जगह शहजाद स्टड आ जाए. Well, Jani, you know, in my drawing room, we never mix business and pleasure. Are you sure? You know, दोस्ती अपनी जगह. और फहीम बर्नी सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं है ना. We've got so many production houses, and I. No, I just meant. No, I mean, of what course. What did you mean, but Mumani he, of course, being the number one. मैं तो कहती हूँ कि अगर वहाँ एकता कपूर है, तो हमारे यहाँ फहीम. आई थिंक यू नो जो हमारे डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, आप रोज़ाना बिरयानी नहीं खा सकती, और आप रोज़ाना खिचड़ी भी नहीं खा सकती. लाइक देर शुड बी लाइक डाइवर्सिटी इन क्विजीन, राइट? इन द सेम वे फहीम बर्नी जो है, सप्लाई डिमांड की बात होती है. अगर वो हिट ना हो रहा होता तो इस वक्त तक वो पैकअप करके कुछ और कर रहा होता. और मुझे इतना अच्छा लगा तुमने जब ये बात की कि आप रोज़ाना एक चीज़ नहीं खा सकती. यही बात मैं कुछ देर पहले तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी जान, कि रोज़ाना एक ही डिश खाने से दिल भर जाता है. मुझे शहजाद, मैं नोटिस करी तुम ऐसे ऐसे उधर खिसकते जा रहे हो, तुम वापस इधर आ जाओ. मैं क्या करूँ, वो खींच रही हैं. हाँ मेरी जान, मैं चाहती हूँ कि ये पुराने क्लांस आज खत्म हो ही जाए. हाँ, शुरुआत यहाँ से होगी. उसके बाद विनी, तुम्हारी दोस्त तानिया, तुम सब में भी फूट डलवाऊंगी. बहुत सारी नई लड़कियों का बहुत सारा भला कर दूंगी. बट नो डार्लिंग, माय ओनली इख्तलाफ, जो मेरा इख्तलाफ है इन सोप्स के साथ, वो ये है कि दे थ्राइव ऑन यू नो ऑन इंट्रीग, on saas bahu ki khichdi, on you know, and I think on such negativity really. I think aur bahut sare masail hain haqeeqi zindagi mein logon ke, you know, that have to be somehow, ki koi to pursane haal unka bhi ho, koi to un cheezon ko bhi address kare jo logon ki real issues hain. Aap kab tak logon ko ye fareb, ye dhong dikhate rahenge, aur kab tak, aur kyun kar log dekhenge? Lekin begum sahab, main yahi bataunga, hamare plays hamesha bahut acche rahe hain. Agar aap purane bhi dekhen, it's going to change. And I just feel there many it is going to die down very soon. That's what I feel. We've got Avenue, we've got mashallah lots of channels which are showing A class plays. We've got Fahim Barni, we've got Humayun Saeed production. Itni zyada production companies hai, Rashid Sami ka production house hai, ke different distinct flavors hain, theek hai na? Ki matlab ki jis tarah aapne pink lipstick lagayi hui, maine kuch aur lagaya hua hai,
हर एक को डिफरेंट प्रेफरेंस होती है, तो व्हाई नॉट सर्व देम अ प्लेट ऑफ एवरीथिंग असॉर्टेड। अरे मेरी जान, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, प्लेस की बात हो रही है, प्लेस की बात कर रही हूं मुमाली जान। मैंने कहा हर किसी की, हर किसी की प्रेफरेंसेस होती हैं, एंड वन शुड केटर टू ऑल काइंड्स ऑफ टेस्ट्स एंड लाइकिंग्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कोर्स डार्लिंग। व्हाई कांट वी कम टू टर्म्स विद पीपल। आप मैथ्स से ज्योग्राफी में क्यों चली गई हैं, मुझे ये नहीं समझ आती। नहीं डार्लिंग, मैं तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात कर रही थी। मेरा ज्योग्राफिया थोड़ा सा खराब हो गया है कुछ, वेल बट आई हैव गुड एबल डॉक्टर्स हु गोइंग टू फिक्स ऑल ऑफ दैट फॉर मी, बट ऑफ कोर्स यू हैवंट गॉन थ्रू एनी प्लास्टिक और कॉस्मेटिक प्रोसीजर रियली। नो प्लास्टिक, नो सिंथेटिक, नथिंग। इन फैक्ट आई विश आई हैड द गट्स टू एक्चुअली गो फॉर लेजर आई सर्जरी। मेरा नंबर है लेकिन मैं डरती हूँ कि वो जो 0.3% है ना कि वो बिकॉज इट्स इरिवर्सिबल द डैमेज। मैंने तो अपनी आंखों का नहीं करवाया तो मैं बाकी तो मैं सोच भी नहीं सकती ना। सो नो, आपको लगता नहीं, आपने तो पहली चीज छोड़ते जो मेरा ख्याल है कि जो वो मुमानी और भांजी का वो जो एकदम से वो हुआ है ना, वो जो दो औरतें एक जगह पे वो एक कंपटीशन, कि आपने मुझे कहा कि मैं थकी हुई लग रही हूँ। मैंने कहा जान, ना तो मैंने कोई कंपटीशन किया। शहजाद, तुम्हारे सामने तुम्हारी दोस्त एक जंगजू बनकर मेरे ड्रॉइंग रूम में इसने धावा बोला, इसने मेरे ऊपर हमले किए, बार बार हमले किए, और मैंने किस तरह किस प्यार से क्या कहना चाहिए किस ग्रेस से तुम्हारे हर हमले को बर्दाश्त किया माशाल्लाह। और चूत तक मैं लाजवाब हूँ ना, मैं कहती रही हूँ पहले भी, मैं लाजवाब हूँ। और हमारी फैशन इंडस्ट्री और आपकी लव इंडस्ट्री, आई लव इट, इट्स फैंटास्टिक। हाय डार्लिंग, कीप ऑन। बट यू नो आई वांट एवरीबॉडी टू बी हैप्पी, आई वांट एवरीबॉडी टू हैव अ ग्रेट टाइम, रियली आई वांट पीपल टू बी कंफर्टेबल विद छोटी छोटी खुशियां, दैट्स इट, है ना। और जो इतने सारे मसाइल हमारे मुल्क में भी फैल गए हैं, यू नो देयर इज अ सर्टेन क्लास व्हिच इज अफेक्टेड बाय आटा, ऑफ कोर्स दैट माइट नॉट बी योर रियल बिग वरी। Then there's a class that's affected by petrol prices or energy power breakdowns. Again, you are privileged. You might not be having those, facing no, listen, those problems. But the thing is that it's not about being privileged. Shahzad will agree with me that हम लोग कितने परसेंटेज हैं और हम लोग भी बड़े मेहनत से पहुँचे हैं यहाँ आप प्लीज बहुत अमेजिंग स्टोरीज हैं. The only thing is that masses mean the world because our masses are Pakistan. It's not 5% of you know like an elite or whatever, and I think that there are lots of people who are privileged who are helping out. So it's पता है इस तरह की बातों से वो और जो देख रहे हैं वो कहेंगे देखा, हाँ देखा अमीर ये सही कह रही है, और अगर बेगम नवाजिश कह रही है तो फिर तो सही कह रही है क्या? पर जानी, वो तो अमीरों के पीछे हो जाएंगी, सिविल वॉर हो जाएगी। आई नो बेबी, मैं नहीं चाहती कि सिविल वॉर हो, मैं तो प्यार खिलाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ हैरत ये हो रही है शहजाद के जब से जीक्यू यहाँ आई है तुम्हारी तो लगता है बोलती ही बंद हो गई है। बिल्कुल भी नहीं, सर हिलाए जा रहे हो, हिलाए जा रहे हो, क्या गुड़ है इसके पास, क्या घोल के पिलाया था इसने तुम्हें, जो तुम खवातीन बैठ गई हैं अब आप लोग तो बोलेंगी, मैं सुन रहा हूँ और क्या कहूँ अब। मैं चाहती हूँ कि आज तुम बोलो और ये सुने, बोलो आज, ये हो नहीं सकता। आज इसके सीने पर मोम दलो, नहीं नहीं हो सकता, नहीं ये थेरेपी हमें नहीं अच्छी लगती जो भी है। डार्लिंग बट यू शुड ट्राई, आई कॉल इट द हॉट वैक्स थेरेपी, हेल्प्स अ लॉट, कैंडल्स कैन बी सो मच फन समटाइम्स, वेल ऑफ कोर्स नो वन जस्ट हैज टू बी अ लिटिल एडवेंचरस, एंड आई ट्रस्ट दैट शहजाद यू आर अ बिट एडवेंचरस, आई वांट टू हियर यू। ही तो वो कर रहा है, मुझे सुनाओ अपनी एडवेंचर की कहानियां, मुझे सुनाओ वो कौन कौन से रास्ते हैं जो तुमने देखे हैं, वो कौन कौन से पहाड़ हैं जिन पे तुमने चढ़ाई की है, सब बता मुझे। नेशनल ज्योग्राफी, ऑल अबाउट दिस डिफिकल्ट टेरेन्स, दोस नॉट सो स्मूथ सरफेस। अब तो ज्योग्राफी कर रही है ना कि अभी तक बायोलॉजी हो रहा है? नहीं जानी, ये ज्योग्राफी थी, मैं स्लो हूं, मैं बिंबो हूं, मुझे कुछ नहीं पता होता। नहीं हां, ये कुछ ज्योग्राफी, इसका ताल्लुक कुछ था, फोर व्हील ड्राइव एंड चेंजिंग गियर्स एंड स्टफ लाइक दैट। But you know, I think actors and creative people are always more sensitive to you know human emotions. इसलिए तो मुझे बुरा लगा था मोमानी जान। अब आप कह देना कि नहीं नहीं, मैं तब से आपको झूठी तारीफें कर रही हूँ कि आप इतनी अच्छी लगी, मीरा लगी, ये लगी। आप एक दफा कह देना, छोड़ दे, लेट इट गो। आप कह दे हाँ ज़ैनब भांजी तुम बहुत प्यारी लग रही हो, कह दे। हाय मेरी जान, मैंने तो तुम्हारे आते साथ कहा था। चलो मैं डंके की चोट पर बोलती हूँ, ज़ैनब मेरी जान, मेरी सौतेली भांजी। सौतेली नहीं हो वो, तो साइका मामी सौतेली है ना, फिर नहीं वो आपसे पहले आई थी। अच्छा वो बात, चलो जो भी है, मैं अभी भी नाराज हूँ। हाँ, लेकिन मैंने कहा कि अगर if you really want नहीं, मेरी looks और मैं कैसी लग रही हूँ अभी, बहुत फिर से देखा topic change करके, बहुत उनके तो come on, I think my ZQ deserves a big bang. Well, there it was, all of this great music for you, darling. Thank you. है ना? इतना छोटा। वैसे मौसीकी किस किस्म की सुनती हो?
आप जिस किस्म की सुना दें मैं सुन लूंगी, आपकी मेहमान हूँ ना, बोल नहीं सकती। अब तुम कहो। मैं नहीं, आज तो मुझे गोली मारे, आज शहजाद से पूछे ना आप जो शहजाद, डू यू सिंग डार्लिंग? नो, कुछ तो आता होगा। गाना नहीं आता, सुनना बहुत पसंद है। हाय मेरी जान, किसको कुछ सुना है ना आप? हाय मेरी जान, थोड़ा सा आज हो जाए, है ना? हाँ। आज हो जाए, फिर वादा करो। हाँ, चलो हो जाए। सुनाई दें आप फिर आज। एंड डार्लिंग ऑफ कोर्स देन वी मस्ट कॉल अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टुमारो। कल हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और सबके सामने ऐलान करेंगे कि आज से शहजाद रजा की वाहिद मॉडल सिर्फ नाजी होगी, है ना? नाजी? कल से विनी, आमना, ईमान, कौन कौन है ये? ZQ? ZQ of course, नहीं, मैं तो वैसे ही रिटायर हो गई हूँ, मुझे तो ZQ का पीछा छोड़ दें, लेकिन मैं कह रही हूँ छोड़ेंगे आप फिर से। आई एम वेरी वेरी यू नो इम्प्रेस्ड कि तुम इतने बड़े फोटोग्राफर हो, वही GC के कॉलेज वाले बैचलर करते हैं, कि शुरू से लेकर अब तक खुदा के लिए एक शूट कर दो, कितना और बोलेंगी वो यार, एक शूट कर दो, निकालो कैमरा। नहीं जी, क्यों ये आप देखिए, ये ज्यादती कर रही है, वो हम चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं उनके साथ शूट करना, वो टाइम नहीं देती। मुझे अफसोस इस चीज का हुआ, शी इज सच एन अमेजिंग मॉडल, मैं तो हमेशा समझती हूं दैट यू नो ZQ हैज बीन, तो हाउ कुड यू लेट हर रिटायर सो अर्ली? नहीं, बहुत साल निकाल सकती, पता नहीं, बस ये क्योंकि प्लेस में बिजी हो गई, दैट्स व्हाई। आई लव एक्टिंग, आई कैन प्रिस्क्राइब अ फ्यू नाइस पिल्स। I'm not a pill popper. I just feel ke cat fight. नहीं, cat fight नहीं. I love cats. तो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ ना कि आपने एक चीज कर ली, award भी मिल गया माशाल्लाह, and then I wanted to diversify. मैंने एक बिल्ला रखा था, वो बिल्ला तुम्हारी बड़ी तारीफ करता था. नाम क्या था उसका? इमरान अब्बास. I love Imran and Asfar. बस वो तो वो काला बिल्ला निकला जिसने मेरा रास्ता कुछ ऐसा काटा कि मेरी जिंदगी से सारी खुशियाँ छिन गई. I just wish the best to Imran and to Asfar because young kids. माशाल्लाह, यू नो, मैं असफर को देखती थी कि वो स्ट्रगल के एक तरफ एक सोप कर रहा है, फिर जाता था कहीं और, 3 शिफ्ट्स, एंड ही इज़ वर्क रियली रियली हार्ड, और आज माशाल्लाह एड्स कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसने अपना नाम बनाया, एंड हैट्स ऑफ टू हिम. एंड इमरान अब्बास इज वन ऑफ द, ही इज लाइक अमंगस्ट द यंगर लॉट, ही इज वन ऑफ द बेस्ट. ओह माय गॉड, नो ZQ, बट यू हैव सम एक्सप्लेनेशन टू डू राइट नाउ. ओनली द लास्ट टाइम आई हर्ड समबडी टॉक लाइक दिस अबाउट एनीबडी एल्स रियली वाज इन इंडिया, इट वाज रानी मुखर्जी जो कह रही थी आई विश ऐश्वर्या ऑल द बेस्ट एंड अभिषेक ऑल्सो. इमरान और असफर का क्या ताल्लुक है? इमरान अब्बास के साथ साथ देयर असफर, देन देयर दैट अदील बरकी, इतना न्यू लॉट जो हमारा आ रहा है. ऑफ कोर्स डार्लिंग, एंड देन देयर इज मिकाल. हाउ कुड यू फॉरगेट मिकाल? मिकाल हु इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ आवर्स. नो, आई हैव वर्कड विद मीकू एंड ऑफ कोर्स माय शामिल, इतने ज्यादा लोग हैं, और मैं पता है मजे की बात है, शहजाद हम तब से, और तुम भी पता है एज अ फोटोग्राफर आप तब से ना विनी, ZQ, तानिया, नहीं शहजाद ऑल्सो, यू नो इट्स टाइम टू स्टार्ट टू सेलिब्रेट द बॉयज एंड गर्ल्स. आज के स्टार्स, मतलब ठीक है, वी आर लकी क्योंकि हम कल से आ रहे हैं आज में, लेकिन आज और कल जो है हमारा, माशाल्लाह, आई मीन लाइक देयर सो मेनी, आयशा उमर है, एनी है, इवन तूबा अमंगस्ट द, यू नो, लाइक द यंगर लॉट, देयर सो मेनी गर्ल्स, बीनेश चौहान द न्यू गर्ल, वो एक सोप कर रही है, बहुत बहुत लड़के लड़कियां हैं, उनको उनका जिक्र करेंगी आप, उनकी हौसला अफजाई करेंगी. हाय जानी, आई एम ऑल फॉर यंग पीपल, आई एम ऑल फॉर यंग पीपल, एंड शहजाद मेरी जान, लेट्स वर्क टुगेदर. Let's create more young people together. We'll identify the right lot. No, I meant not in that way. God, I meant in the sense that I'll bring in the right people. Yeah. You groom them and you present them. Sure, done. And then both of us, we will reap the fruits and the benefits, really. I think there are lessons. Ek do aise lessons hain jo hum khawariya se seekh sakte hain, darling. Again. Again, wahi phir Fahim Barney aur sab. Mahatma hai. Apne genre mein. मतलब कि हर फोटोग्राफर, मेरा ख्याल है कि अगर खावर और शहजाद मुझे शूट करे इस वक्त, तुम तो कहोगी ना इंशाल्लाह. हाय जानी, दिल तो मेरा कर रहा है कि मैं ना लटकाए करूं एक ही दफा, है ना? बट आप जो तुमने मुझ पे लफ्जों की भरमार की, गोलियों की तरह प्यार था, जान तो मानी, लेट्स गेट अप, हग ईच अदर एंड मेक अप डार्लिंग. मैं बंधी हुई हूं. हाय मेरी शहजाद ही बंधा हुआ है, तुम हिलना नहीं. तो मैंने कहा यूं ही बंधे रहो तो अच्छा है जानीज, ये तो आपने जान लिया
कि यहाँ जो एक दफ़ा आता है मेरे प्यार में बंद सा जाता है। और चूँकि शहजाद तुमने कहा कि तुम्हें सुनना अच्छा लगता है, तो मुझे तुम्हारे जैसों के लिए गाना अच्छा लगता है। मैं उठ कर चली जाऊं। और तुम्हारे जैसों से मेरी मुराद यू नो ऑफकोर्स सिंगल एलिजिबल बैचलर्स हुआ। ओके थैंक यू, आई डोंट क्वालिफाई। माशाल्लाह अकॉम्प्लिश्ड यू नो टैलेंटेड गिफ्टेड इंटेलिजेंट स्मार्ट यू नो माशाल्लाह एंड सो मेनी अदर लवली लवली एट्रीब्यूट्स। और आज के बाद ZQ जो तुमसे कहेगी तो मुझे फौरन से बता दिया करोगे, सो दैट एट लीस्ट आई नो एग्जैक्टली व्हाट द भांजी इज अप टू। तो वो फिर यही होगा ना कि नंद जैसी वो मेरी अम्मी वे फिर वैसी मैं, नंदे तो होती बेचारी अब कुछ। और तुम्हारे लिए मेरे भी पुरजोर क्या होते हैं पुरजोर इसरार पे। हां तो इसकी माँ ने भी यही चाहा था कि मैं गाऊं नाचूं। नहीं, आज नहीं। इसने भी चाहा है, लेकिन कोई बात नहीं, माँ और बेटी की इच्छा पूरी कर देती हूँ। कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद।